इतनी सारी नीलगाय आज यहाँ पर कैसे आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब की सब यहाँ पर। मैं करीबन 4 दिन के बाद मैं बच्चों को यहाँ लेकर आया हूँ, 4 या 5 दिन। उससे पहले मैं जब भी यहाँ आता था मॉर्निंग में मुझे कोई भी यहाँ दिखता नहीं था, मतलब दिखती थी नीलगाय बट इतनी सारी नीलगाय यहाँ पर मुझे कभी नहीं दिखी। हो सकता है सोसाइटी में साफ सफाई हुई है इस वजह से नीलगाय यहाँ पर अब इकट्ठा रहने लगी है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ है नहीं और इनको सोने के लिए झाड़ियाँ चाहिए, रुकने के लिए वगैरह वगैरह। एक छोटा बच्चा नीलगाय का पांडा बबलू के पास में आ रहा है, आगे से दिखाता हूँ आपको। मेरे डर के वजह से कहीं भाग ना जाए, वो भाग गई है। डरो मत बच्चों, मैं दुश्मन नहीं हूँ। अरे इंसान एक जैसे नहीं होते बेटा, क्यों डर के भाग रहे हो? मतलब भाग नहीं रहे, चल के जा रहे। आराम से बेटा खेलो मेरे बच्चों के साथ। राइट साइड में दिख रहा है वो बबलू है, बीच में जो है ये राधा और पांडा साइड में बैठा है। वो राधा डरी 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 या बैठ जाएगी राधा। हाँ देखना राधू, डरपोक, डर रही है या डरा रही है? मैं काउंट भी नहीं कर सकता इतने सारे नीलगाय। अगर वो शिकारी कुत्ते यहाँ पर नहीं होते ना तो नीलगाय और भी ज्यादा यहाँ दिखने को मिलती। जंगली सुअर, रैबिट, नीलगाय और 3 विचित्र प्राणी राधा पांडा बबलू, एक एक करके सभी नीलगाय यहाँ से जा रही है। मेरे बच्चों ने मैदान साफ कर दिया खुद के लिए। क्या करोगे यहाँ, क्रिकेट खेलोगे? भगा दिया सबको। धीरे 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 धीरे, कितना बड़ा परिवार है यार, हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। बस 21 दे दिया। राधू डरपोक इतनी चालाक है, अगर कोई भी अनजान एनिमल दिखेगा ना तो सबसे पहले लड़ने के लिए यही जाएगी। और होता कुछ नहीं है, जब उसको लगता है राधा को कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, ये भागकर वापस भी आ जाती है। फिर कालू, पांडा और बबलू लड़ने के लिए जाते हैं। इसको बस छेड़ लेना आता है और ये छेड़ ले लेती है और फाइट करती नहीं है। गधेड़ी, ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं इसके तो पूछो ही मत। ऐसे बैठी है अपने मम्मी की तरह पेट निकाल के। गधेड़ी, बड़ी लंबी पूछ, छोटी पूछ होती ना तो रॉक्सी की 2 कॉपी। नेचर में तो वैसी ही है, दिखने में भी लगती। फिर चले राधा, बाय बाय बच्चों, जल्दी मिलना वापस। जा रहे सबके सब, बड़े दिख रहे बट बड़े है नहीं, बहुत छोटे है, कालू से 1.5 गुना हाइट है। बच्चों अब मत छेड़ो उसको, वो जा रहे हैं ना यहाँ से, जाने दो। देखो कितनी समझदार है। यारी यारी पांडा के पास आ रही वो फीमेल मदर नीलगाय, क्योंकि उसके पीछे उसके बच्चे हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो कैसे आई, एकदम पीछे रुक गई और बच्चों को आगे जाने दिया। अब जा रही है, देखो वापस से रुक गई रास्ते के बीच में, मेरे बच्चों को जैसे कह रही हो कि तुम लोग आगे नहीं आ सकते। बबलू की पॉटी निकल गई, नहीं सॉरी पांडा की पॉटी निकल गई, और नीलगाय मदर वहाँ बीच में रुकी हुई है, मेरे बच्चों को आगे जाने नहीं दे रही है क्योंकि उसके आगे उसके बच्चे हैं। अरे मत करो राधा, है नीलगाय वो प्यारी बच्ची मेरी, उसको मत छेड़। को पता नहीं है, वो खेलने के लिए पास में आ रही है, टेंशन मत ले, कुछ नहीं करेगी राधा तेरे बच्चों को। ओहो उसके तो 6 बच्चे है। नीलगाय तेरा सरनेम क्या है? 6-6 बच्चे पैदा कर रही है, जस्ट पीछे है नीलगाय के सारे बच्चे। बच्चों के आगे उसके पापा भी है, मस्ती से खाना खा रहे हैं। आलसी आदमी, काम धंधा है नहीं, कमाता है नहीं, फोकड़ का खाना खाता रहता है यहाँ पर और यहीं पे निकालता है। कालू मामा देख इधर है, कहाँ गया? ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया? कालू मामा दिख ही नहीं रहा है अंधेरे में। ये आ गया कालू। कालू मुझे लगा तो दिन के टाइम भी नहीं दिखता यार। अले नन्ने मुन्ने राई, मेरे सोसाइटी के सिपाही। नीलगाय के बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते ना तब तक बहुत प्रॉब्लम है बेचारे छोटे बच्चे, इतने क्यूट इतने प्यारे, कसम से यार वो शिकारी कुत्ते इनके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करते, नोच नोच कर खा जाते हैं। और ये गधेड़े यहाँ भी थक कर सो भी गए। मेरी राधा कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रही यार। राधा कहाँ, तुम्हारी बहन है? करण अर्जुन पागल गधेड़े, अपनी बहन का अता पता भी नहीं रखते। फोन कर राधा को, व्हाट्सएप पर मैसेज तो कर ही सकता है? नहीं कर सकता, गधेड़े के पास अंगुलिया है नहीं, मैसेज टाइप कैसे करेंगे? बबलू सोना नहीं है यहाँ पर। बोले पांडा भी बैठ गया, ठीक है तू सो जा, तू बैठा रहे, मैं जा रहा हूँ यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटा सा व्लॉग जिसको भी अच्छा लगा हो, थैंक यू।